इधर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नंद कुमार साय ने दोनों पार्टियों के उम्रदराज नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में ये चर्चा होने लगी है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 70 प्लस के नेताओं को टिकट मिलेगी या नहीं। रिपोर्ट देखिए। मुझे लगता है कि ये नीतियां पहले भी बनाई गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि भाई अगर ठीक है किसकी की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी चाहेगा कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति समर्थ है, एज हो गया होगा तो उसे एकदम से साइड करना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत उम्र को किनारे डालोगे, अनुभव कहां से लाओ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है, सियासत का खेल जारी है। हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए छत्तीसगढ़ के आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय के 70 प्लस वाले बयान ने कई बहस छेड़ दी है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा में 13 विधायक ऐसे हैं जो 70 प्लस के हैं। कांग्रेस के 7 विधायक जिनकी उम्र 70 पूरी हो चुकी है, इसमें खेर साय सिंह, टीएस सिंहदेव, राम पुकार सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू और कवासी लखमा है। बीजेपी के विधायक की बात करें तो ननकी राम कंवर, विद्या रतन भसीन और डॉक्टर रमन सिंह की उम्र 70 पार हो चुकी है। इधर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 2 विधायक 70 की उम्र के हैं, इनमें डॉक्टर रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह का नाम है। इधर नंद कुमार साय के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीति में सक्रियता के मापदंड पर बात कही है तो इधर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने युवाओं को अवसर देने की वकालत की है। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या क्या कहा। राजनीति जो है वो शारीरिक रूप से आप यदि सक्रिय हैं, है ना, और मानसिक रूप से लोगों के साथ जुड़ाव है, समस्याओं के निदान करने की आपको क्षमता है, समाज को आप कुछ दे सकते हैं, तो जब तक आपकी सक्रियता है तब तक आप सक्रिय रहिएगा, जब तक समाज स्वीकार करे तब तक सक्रिय रहिएगा। समाज यदि नहीं चाहेगी तो वैसे ढकेल देते हैं, पीछे बड़े बड़े नेताओं ने पत्र में ढकेल दिए। सब लोग राजनीतिक दल हैं, जिसकी इच्छा चुनाव लड़ा, मना किसी को थोड़ी कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता अपने संगठन के आधार पर अपने मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी और लड़ती रहेगी। वैसे राजनीति में उम्र पर सियासत नई नहीं है। नंद कुमार साय ने बीजेपी तो छोड़ी लेकिन उम्र दराज नेताओं को महत्व नहीं मिलने के आरोप चस्पा कर गए। साय के आरोप ने 70 साल के नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ा दी है, लेकिन अब ये पार्टी आलाकमान को तय करना है कि बगावती तेवर अपनाते उम्र दराज नेताओं को महत्व देना कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।